में नरसी जी मोटे भाइयों को लेकर के सिरसागढ़ में भात देने के लिए पहुंचे तो मनसामल सेठ ने नरसी भगत को गांव से बाहर एक गौशाला थी, उस गौशाला के अंदर रुकवा दिया। उधर हरनंदी की सास ननंद को पता चला तो हरनंदी को ताने मारने लगी कि देख तेरा बाबुल हमारी बेइज्जती करवाने के लिए मोटे भाइयों को लेकर के आया है। आज से पहले मोटे भाई किसी के यहां पर भाती नहीं गए लेकिन हमारे यहां पर आए हैं। जब सास और ननंद के ताने सुने तो हरनंदी दुखी मन से अपने बाबुल के पास में, रात का समय हुआ और रात को चुपके से अपने बाबुल के पास में पहुंची है और गौशाला के अंदर पहुंच करके किस तरह की बात कहती है, क्या बात होती है, दोनों के बीच में सवाल और जवाब कैसे बना। हे बेटी हरनंदी जी, पिताश्री इतनी रात के समय में अपने बाबुल के पास में आई है, बेटी क्या परेशानी है? परेशानी? हाँ, परेशानी यह है कि आज आपने आकर मेरी इज्जत को माटी में मिला दिया पिताश्री। बेटी मैं तो तेरा मान रखने के लिए आया हूं, तू ये कह रही है कि मैंने आकर के तेरी इज्जत को माटी में मिला दी। अरे कैसा मान कैसा सम्मान कि खिजालत मेरी करवा दी कि मोटे साथ में लाया, खिजालत मेरी करवा दी कि मोटे साथ में लाया, रखेगा क्या इज्जत मेरी, बता के भात में लाया, बता के भात में लाया। बेटी भात तो मान सम्मान का हुआ करता है, तू भी आज लालच के वश हो गई है, तू अपने बाबुल से इस तरह की बात कर रही है। भात के समय पे भाई आता हुआ अच्छा लगता है ना कि एक पिता। अगर तेरा कोई माँ का जाया भाई होता तो शायद तेरा ये बाबुल आज यहाँ पर नहीं आता। अरे मैं समझ लेती कि मेरा कोई दुनिया में भाई नहीं है, कोई भाती नहीं है, लेकिन आज आपने यहाँ पे आके इस दुनिया के सामने मेरी हंसी करवा दी पिताश्री। मैं तो यहाँ पे इसलिए आई हूँ, समझाने के लिए आई हूँ कि सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाना, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आपकी ये बेटी हरनंदी आपको कोड़े मार कर यहाँ से बाहर निकाल देगी। बाप और बेटी की एक मर्यादा हुआ करती है, कभी किसी बेटी ने अपने बाबुल का अपमान नहीं किया, तेरा ये बाबुल भी आज तेरा मान रखने के लिए आया और तू आज लालच के वश में आकर के अपने बाबुल को इस तरह के ताने दे रही है। सुन मेरी बात। कही हर नंदीले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना, तेरी जा मर्यादा टूट लाडली मेरे हाथ लगाने से, तेरे कुण से ताज बांध दिए आके लाज गई तेरे आने से, कुण से ताज बांध दिए आके लाज गई तेरे आने से। ये संत महात्मा मेरे संग यारे हाँ। मेरी बेटी डरो बुलाने से, गौशाला तो बाहर मन के बेटे
बेरा था इज्जत ने मन के बेरा था इज्जत ने इस तरिया ते खोएगी न्यू ना सोच बिना ब्योती उलटी बदनामी हो सास नड़ंदे ठाणी मेरे जीवा से न रोवेगी सास नड़ंदे ठाणी मेरे जीवा से न रोवेगी दुनिया करे बुराई बेटी दुनिया करे बुराई बेटी प्रीत की रीत घटावे ना सिरसा कड़ते चलिया जावने अपनी शान दिखावे ना बाप तेरा बनी बनाई बात बिगाड़ी खत्म होया तब पता तेरा ने बनी बनाई बात बिगाड़ी खत्म होया तब पता तेरा धीरज धार सबर कर ले वो भला करे हरी आप तेरा तोटे में मती माड़ी होगी दिख रहा ढंग साफ तेरा तोटे में मती माड़ी होगी मैं तो चिट्ठी गेर बुलाया से जब भात भरण का ब्योती नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से भात भरण का ब्योती नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से मतना आप बिगाड़े मेरी हाँ मतना आप बिगाड़े मेरी दिखे तू टोटे की माया से दिखे रिश्ते मैं तेरा पिता लगूं तू धक्के मार भगावे ना सिर सागड़ दे चलिया जावने अपनी शान दिखावे ना सिर सागड़ दे चलिया जावने अपनी शान दिखावे ना धार सबर कर ले धीरज धार सबर कर ले क्यों खोटी बात विचार रही अगर पड़ा सन तायस पीतस कस कस तान मार रही अगर पड़ा सन तायस पीतस कस कस तान मार रही रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान क्यों कर मन में अहंकार रही सुन के थोड़ा रंग ढंग सास गणे खिलकार रही सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास गणे खिलकार रही हम मंगल मदद करें परमेश्वर मंगल मदद करें परमेश्वर और कोई लाज बचावे ना सिर सागर ते चला जा मने अपनी शान दिखावे ना सिर सागर ते चला जा मने अपनी शान दिखावे ना दिले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना सिर सागर ते